हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ये सॉफ्ट लुक क्रिएट करने वाली हूँ पॉन्ड्स बीवी क्रीम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्राइमर लूँगी और प्राइमर को हम पूरे फेस पे लगा लेंगे। थोड़ा सा, ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है, थोड़ा सा ही लेना है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो पूरे फेस पर लगा लेंगे और मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, जो मेन मेन है मैं आपको वो दिखा रही हूँ। और ये रहा पॉन्ड्स बीवी क्रीम। तो अब ये क्रीम अप्लाई करेंगे फेस पे। ये लुक आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हो, घर पे या फिर आप कहीं भी जा रहे हो तो भी क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा प्रोडक्ट भी मैं यूज़ नहीं करूँगी। कम से कम प्रोडक्ट में आपको अच्छा मेकअप दिखाऊँगी, जो आपका टाइम भी बचेगा और मेकअप भी अच्छा लगेगा, है ना। तो पूरे फेस पे तो फिंगर से अप्लाई करें या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर से, दोनों से ही लुक आपका बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि वो अच्छे से आपकी फेस पे ब्लेंड हो जाती है। तो मैंने तो फिंगर से ही अप्लाई की है। जिसके पास ब्लेंडर नहीं है वो अपने हाथों से भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा होता कि आप मेकअप ब्लेंडर से ही किए करें, तो कोई तरीका अपना अपना होता है। और मैं थोड़ा सा आईज पे भी लगा लेती हूँ। आपको जितनी क्रीम की ज़रूरत हो आप उतना लगाइए, मुझे जितना था मैंने उतना यूज़ किया। ज़्यादा मैं लगाना नहीं चाहती, ताकि ऐसा नहीं लगाना चाहिए कि ये एकदम नॉर्मल लुक है, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत कुछ अप्लाई किया है फेस पे। अब फाउंडेशन लगाते हैं तो ऐसा लगता है, खुद को हैवी फील होता है कि बहुत ज़्यादा अप्लाई किया हमने फेस पे, कुछ ना कुछ लगता है बहुत सारा लगा हुआ। तो अभी कॉम्पैक्ट से थोड़ा सा सेट कर लेंगे इसको। कॉम्पैक्ट से सेट कर लिया हमने और अब हम आई मेकअप पे आते हैं। आई मेकअप हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस लाइट सा थोड़ा सा करना है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा आईज़ पे लगा लेंगे। ये मैंने मरून कलर लिया है, थोड़ा सा आप दोनों आईज़ पे लगा लीजिए, अच्छे से ब्लेंड कीजिए, क्योंकि ब्लेंडिंग मस्ट होती है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा गोल्डन कलर लिया है, जो कि आईलिड पे लगाया है। और गोल्डन कलर हर ड्रेस के साथ चला जाता है और आँखों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गोल्डन। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं आपको जो मन करे आप वो लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और वही ऊपर रेड कलर जो थोड़ा सा लगाया था, वही हमें नीचे भी थोड़ा सा अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, ताकि कुछ अलग ना लगे। और ये देखिए, उसके बाद हम थोड़ा सा हाइलाइटर लगाएंगे इनर कॉर्नर पे। उसके बाद हम अपना लाइनर अप्लाई करेंगे। और लाइनर लगाने के लिए मैंने यूज़ किया है ब्लू हेवन का, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, कोई भी इसको परचेस कर सकता है। ये 40-50 के अंडर आ जाता है आई थिंक। या आप जो भी लाइनर लगाना चाहें वैसा लगाइए, मुझे विंग में थोड़ा पसंद है तो मैंने थोड़ा सा विंग निकाल दिए। आपको सिंपल लगाना है आप सिंपल लगाइए, मैंने बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं किया है आईज़ पे भी, क्योंकि हम यहाँ पे बीबी क्रीम यूज़ करे हैं और हमने कोई बहुत हैवी मेकअप किया ही नहीं है यहाँ पे, ना कोई फाउंडेशन ना कुछ। तो और ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मेकअप करेंगे तभी आप अच्छे लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस आपको अच्छे से आना चाहिए कि किस तरह से आप किस मेकअप को किस तरह से अप्लाई करें। और मैं ये आईब्रोज़ को थोड़ा सा फिल कर रही हूँ, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, वरना मुझे नहीं ज़्यादा पसंद है नॉर्मली घर में ये सब मेकअप करना इतना। और ये मैं प्लम का काजल यूज़ कर रही हूँ, और प्लम का काजल इतना ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि स्मज नहीं होता है, वाटरप्रूफ है। तो काजल अप्लाई करने के बाद हम आते हैं लिपस्टिक पे। तो मैंने लैक्मे की लिपस्टिक यूज़ की हुई है, आपके पास जो हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मेरा कलर है मरून कलर, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने मरून कलर की लिपस्टिक लगाई हुई है। ये देखिए, सॉरी गाइस, लाइटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बट इट्स ओके, आप रियल में मेकअप करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
मेकअप तो वही है, लाइटिंग का प्रॉब्लम है, ये देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।